केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों को लेकर जारी किए गए काले कानून को लेकर आज चालकों और मालिकों ने सड़क पर उतरकर एक रैली निकालकर तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार पुनिया परमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वाहन मालिक और चालक उपस्थित थे। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के अनुसार हम ड्राइवरों के द्वारा यदि दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार हमें 10 लाख रुपए देने होंगे और 5 वर्षों की सजा का भी प्रावधान है जो कि अमाननीय है। इस काले कानून को वापस लिया जाए। मध्य प्रदेश ड्राइवर और वाहन मालिक यूनियन के आह्वान पर आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर रहे हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किस संबंध में ज्ञापन दिया तहसील में? ये माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा काला कानून लगाया गया। इस संबंध में क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सर ये जो काला कानून हमारे पे ड्राइवर लोगों पे और मोटर मालिकों पे जो लगाया गया वो वापस लिया जाए। हम गरीब ड्राइवर हैं, हमारे सरकार ने नियम हम पे लागू किया है कि एक्सीडेंट होने पे 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना किया गया है। तो हम गरीब ड्राइवर हमारे घर परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम 7 लाख रुपये और 10 साल की सजा कहाँ से करें? आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि ये हमारे नियम वापस ले, काला कानून वापस ले। अगर नहीं सुनी तो क्या करोगे? ये हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।